सबको जय यीशु, जय यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं इस समय आप सब लोगों का इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए और प्रभु से प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु से लिपट जाएं, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन प्रभु में लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। क्योंकि वचन बताता है कि जब हम उसे दिल से पुकारते हैं, जहां दो या तीन मेरे नाम पर एकत्रित होकर मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे मैं उन्हें वही प्रदान करूंगा। तो हम यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और वचन कहता है एक हृदय होकर जो कुछ तुम मांगोगे मैं वही दूंगा। हम एक मन, एक हृदय हो जाएं सभी लोग। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों में बैठे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे भी आप बैठे हैं, एक मन हो जाएं, एक हृदय हो जाएं और प्रभु को पुकारें। प्रभु का आत्मा, प्रभु का अभिषेक आप पर और हम सब के ऊपर उतर आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को तैयार करें और आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो आप फ़ोन करके बताते हैं, जो समस्याएं बताते हैं, जिनके लिए आप बहुत परेशान हैं, रोते हैं, उन सभी बातों को आज प्रभु के हवाले करें, प्रभु को समर्पित करें, प्रभु को दे दें। वचन बताता है तुम अपनी सारी चिंताएँ मुझ पर छोड़ दो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो और मेरा जुआ ले लो। मेरा जो जुआ बहुत सहज है, हल्का है। और वचन कहता है बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम कई प्रकार के बोझ उठा करके चल रहे हैं, बोझ में दबे हैं। हो सकता है कर्ज का, हो सकता है गरीबी का, हो सकता है हमारे पास नौकरी नहीं है, हो सकता है हमारे घर में झगड़ा है, हो सकता है हमारा पति शराब पीता है, हमसे बातचीत नहीं करता, हो सकता है हमारे बच्चे कहने नहीं मानते, हो सकता है हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारा पैसा फंसा है, बीमार है, हो सकता है बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। हम उनको उठा करके चल रहे हैं, थक चुके हैं, नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रभु कहता है तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो। हे थके मांदे और बहुत से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आए, अपने बोझ को प्रभु को दें, हल्का करें और प्रभु से हल्का करेगा, वो उठाएगा। उसने आपका बोझ उठाया और जब आप अपना बोझ, अपनी तकलीफ प्रभु को बताओगे, प्रभु आपको आशीष देगा, छुटकारा देगा। तो आइए इस समय प्रभु के ऊपर अपना बोझ डालें, अपनी चिंताएं प्रभु को दे दें और दिल से प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमारे सवालों का उत्तर देने वाला है, वो कभी भी देर नहीं करता। प्रभु बहुत भला है। तो आइए उस भले प्रभु की हम आराधना करें, स्तुति करें। देता हूँ हर पल सर
है सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ, वो सबकी दुआ सुनता है, वो सुनता है सबकी दुआ। जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता, जो यीशु के
के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता, जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता, जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता। बेटा हूँ यीशु तेरा मैं महिमा तेरी, बेटा हूँ यीशु तेरा मैं महिमा तेरी गाता, मैं महिमा तेरी। सभी लोग कहें बेटा हूँ यीशु तेरा मैं महिमा तेरी गाता। आगे चलता है वो, चलते रहो सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ, प्यार करता बड़ा, करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, पास वो खड़ा, प्यार करता बड़ा, तेरे पास वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी।
हुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। के पीछे पीछे बढ़ते चले हम, हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम, हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। जिंदगी पाएंगे हम, पाएंगे नया बल पाएंगे, बल पाएंगे जिंदगी पाएंगे, बल पाएंगे उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। सबकी दुआ उसको पुकारे, यीशु मसीह खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। प्रार्थना करते हुए पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता, जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता, जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता। बेटा हूँ यीशु तेरा, मैं महिमा तेरी गाता, बेटा हूँ यीशु तेरा, मैं महिमा तेरी गाता। आगे चलता है वो, चलते रहो पीछे चलते रहो, चलते रहो आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो, हर पल सबके साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, उससे कहे मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, जो जो से वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सब।
धन्यवाद 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 यीशु की स्तुति 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 यीशु की आराधना यीशु की महिमा 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 तारीफ 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 करें यीशु की तारीफ करें हालेलुया 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 बंधन खुले बंधन खुल जाए खुले बंधन हालेलुया 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 यीशु प्रभु के नाम पर यीशु प्रभु के नाम पर इस समय गरीबी के बंधन हटे अंधकार की शक्तियां दूर हटे दुष्ट आत्माएं इस समय छोड़ करके जाएं हर एक शरीर से बुराई और पाप की आत्मा बीमारी निकले इस समय मैं आदेश देता हूँ यीशु प्रभु के नाम पर पूर्ण स्वतंत्रता मिले पूर्ण छुटकारा मिले पूर्ण आजादी मिले स्वतंत्रता मिले यीशु प्रभु का अधिकार हो यीशु का अधिकार हालेलुया 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 पवित्र आत्मा उतरे उतरा एक एक पर उतरे प्रभु एक एक को छू इस समय अब्बा पिता यीशु प्रभु ओ पिता छूले छूले छू 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 छूले 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 यीशु छू 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 छूए छूए यीशु यीशु छूले 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 तेरे बच्चों को छू इन्हें छूले इनकी गरीबी से इन्हें आजाद कर इन्हें स्वतंत्र कर आजाद कर स्वतंत्र कर नया बना दे अभिषेक प्रभु हालेलुया 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 प्रभु इनका रिश्ता तेरे साथ गहरा हो प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताने वाले इनको बना वचन को सुनने वचन के अनुसार जीने की कृपा दे थैंक यू जीसस हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा परिवारों से इसी समय निकल जाए बरकतों को रोकने वाली अदुष्ट आत्माएं इसी समय परिवारों को छोड़ करके जाए नशे के बंधन खुले नशे की आत्मा कर्ज की आत्मा दूर जाए हालेलुया 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 सारे कोर्ट के केस समाप्त हो जाए यीशु प्रभु के नाम पर कोर्ट केस से छुटकारा मिले कोर्ट केस से छुटकारा इसी समय मिले निसंतान पर दूर हो संतान का वरदान उतरे संतानों की आशीष परिवारों में आए हालेलुया 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 परिवारों से दुष्ट आत्माएं जाए डरावनी आत्माएं जाए सताने वाली आत्मा जाए हालेलुया 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 आलस्य की आत्मा जाए बुखार की आत्मा जाए एलर्जी की आत्मा जाए थैंक यू जीसस सारे बंधन खुले दर्द की आत्मा जाए शरीर में जो पुराना दर्द है जोड़ों का दर्द जाए इसी समय छुटकारा 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 मिले छुटकारा छुटकारा यीशु प्रभु के नाम पर यीशु के नाम पर हालेलुया 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 स्तुति करें मेरे भाई मेरी बहन स्तुति करते जाए प्रभु को पुकारें पुकारें तेरा पुकारें वो आज आपके आंसुओं को पहुंचेंगे आज वो आपको आजाद करेंगे आज आपको वो खाली हाथ नहीं जाने देंगे आज आप एक भी खाली हाथ मत जाना यीशु के पास से कुछ ना कुछ लेकर जाना हालेलुया 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 मांगिए इस समय मांगिए जो मांगना है वो आपको देंगे उनकी उपस्थिति आपके बीच में है प्रभु हमारे बीच में है प्रभु से मांगिए जो मांगना है आशीष मांगिए प्रभु का प्यार मांगिए हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी वो सुनता है सबकी दुआ को भी सुनेगा यदि अभी तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है आज यीशु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर आज आपको मिल रहा है प्रभु को धन्यवाद दें मेरा यीशु मसीह
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद दे मेरे भाई मेरी बहन मन की मन। प्रभु का वादा है, जो कुछ तुम मुझसे प्रार्थना में मांगोगे, जो एक मन एक हृदय होकर जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। इस समय एक मन हो जाएं, एक हृदय हो जाएं, एक मन एक हृदय हो जाएं, प्रभु से जुड़ जाएं, अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ें, प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करते जाएं। प्रभु प्रभु मुझे मत छोड़ना, मुझे याद रखना, अपने राज्य में मुझे याद रखना, जैसे प्रभु उस पश्चातापी डाकू ने अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में प्रभु आपसे कहा, यीशु यदि हो सके तो अपने राज्य में मुझे याद रखना। और प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ, मेरे आज ही तू मेरे साथ परलोक में होगा। यीशु से कहें, प्रभु मुझ पापी को भी याद रखना, मुझ पापी को भी याद रखना, मैं तेरा हूँ प्रभु। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं नादान हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पाप में गिर जाता हूँ प्रभु, मैं भटक जाता हूँ, कई बार प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना नहीं कर पाता प्रभु, कई बार मैं तेरे वचन को नहीं पढ़ पाता, कई बार मैं तेरे साथ समय नहीं बिता पाता, बहुत बार मैं पाप में वासना में गिर जाता हूँ, लड़ाई झगड़े में फंस जाता हूँ, बुरी आदतों में फंस जाता हूँ, बुरी जिंदगी जीने लगता हूँ प्रभु, वो सब करने लगता हूँ जो तेरे राज्य के विरुद्ध है, जो तेरे खिलाफ है, जो तेरे लिए ठीक नहीं है। प्रभु मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। आज मैं कहाँ जाऊँ, सब तरफ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है प्रभु, सब तरफ ऐसा लग रहा है रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन तेरा वचन कहता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तेरा रास्ता कभी नहीं बंद होता, क्योंकि तू तो मार्ग है, तू मार्ग रखने वाला प्रभु है, तू तो मार्ग खोलने वाला प्रभु है। प्रभु तूने इसराइलियों के लिए मार्ग खोला, अपनी प्रजा के लिए मार्ग खोला, समुद्र में रास्ता बनाने वाले प्रभु, चट्टान से पानी को निकालने वाले प्रभु, तुझे अपने लोगों का कितना ख्याल है, कितना ध्यान है, तुझे मेरा भी ध्यान है, तुझे मेरा भी ख्याल है प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरा ध्यान रखना, मेरा ख्याल रखना यीशु। प्रार्थना करें भाई, प्रार्थना करते जाएं, दोनों आंखें बंद रखें, प्रभु की ओर पूरा ध्यान लगाएं, अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ें, प्रार्थना करें प्रभु से। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु का हाथ आपको बचाने में सामर्थ्य है, उनका आशीष भरा हाथ जब उठता है, अंधकार की शक्तियां तितर बितर हो जाती हैं। प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु में सामर्थ्य है, वही प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, तुम डरो मत, भयभीत मत हो, निराश मत हो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। वो हमारा ईश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को चल सुनने वाला है, वो प्रार्थना सुनता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारा साथ देता है हर पल। उसने अंधों को आंखें दीं, लंगड़ों को चलाया, जिन्होंने उसे पुकारा उनकी पुकार को सुनकर प्रभु ने उन्हें चंगाई दी, उन्हें आशीष दी। वो प्रभु आज हमें भी आशीष देगा, वो प्रभु आज हमें भी चंगा करेगा। जो यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, यीशु उन्हें कभी नहीं छोड़ते। वचन बताता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ओ प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी तेरे पास आया हूँ यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 हम देखें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु का वचन आज हमें बताता है, वहां पर लिखा है, ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु ने उपवास किया, उपवास करते हुए
प्रभु के साथ। उपवास का मतलब है प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के साथ निवास करना, प्रभु के साथ समय बिताना। उपवास, प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ उपवास रखते हुए कुछ ना खा करके भी भूखे पेट प्यास प्रभु के ईश्वर के साथ पिता के साथ उन्होंने 40 दिन और 40 रात समय बिताया। प्रार्थना में रहें और पवित्र आत्मा से अभिषेक से भर गए। आगे वचन बताता है, इसके बाद उन्हें भूख लगी, इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने यीशु की परीक्षा ली गई। उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास करते हुए समय बिताया, प्रार्थना में गहरे हुए, प्रभु के साथ ईश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा किया, पवित्र आत्मा से भर गए। जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, तब ये शत्रु शैतान हमारी भी परीक्षा लेने के लिए हमारे पास आता है, तरह तरह के प्रलोभन देता है जैसे प्रभु यीशु को दिए गए। जब हम वचन और प्रार्थना में मजबूत होते हैं, जब हम प्रभु के साथ जीते हैं, प्रभु का साथ हमारा रिश्ता है, प्रभु की ताकत और सामर्थ्य को हम जानते हैं, तब हम उस शत्रु शैतान को हरा सकते हैं जैसे प्रभु ने हराया। प्रभु को भूख लगी थी और उसने वही प्रलोभन दिया, ये भूखा है और इससे इसको भूख लग रही है, इसको रोटी चाहिए। और शैतान ने, शत्रु ने कहा, क्या कहा हमने पढ़ा, इन पत्थरों से कह दीजिए कि ये रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, यीशु क्या कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, लिखा है, कहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है। क्या लिखा है, प्रभु कहते हैं, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है इंसान मनुष्य हम सब रोटी से ही हम नहीं जी सकते, रोटी से हमारा पेट भर सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन की ताकत के द्वारा हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, हमारी आत्मा जिंदा है। हमारे शरीर की भूख हम रोटी के द्वारा मिटा सकते हैं, हमारे शरीर की भूख को तो हम मिटा सकते हैं, लेकिन आत्मा की भूख मिटाने का एक ही है, वो है प्रभु का वचन। और प्रभु शरीर की भूख के विषय में नहीं कहते हैं, वो आत्मा की भूख के विषय में कहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद पवित्र आत्मा से भर गए, उनकी आत्मा परिपक्व बन गई, अभिषेक से भर गए। उनकी आत्मा की भूख को उन्होंने वचन की ताकत के द्वारा, ईश्वर के प्रेम और शक्ति के द्वारा मिटा दिया। हालेलुया। और आगे जब प्रभु ने इन शब्दों के द्वारा उसका तिरस्कार किया, तब आगे एक और प्रलोभन वो देता है, कहता है, आगे लिखा है वाक्य 5 में, तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, वो कहता है कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि आपके विषय में लिखा है, तुम्हारे विषय में क्या लिखा है, अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लग जाए। हालेलुया। प्रभु की सहायता के लिए, प्रभु की मदद के लिए आसन के स्वर्गदूत, स्वर्गीय सेना पिता मौजूद हो जाते, लेकिन उसने, प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें कैसे वचन के द्वारा, जो ये प्रलोभन हमारे जीवन में लेकर के आता है, इसे कैसे हमें हमारे जीवन से धिक्कारना है, कैसे हमारे परिवारों से इसे बाहर निकालना है, धिक्कारना है, उसका बाण हमारे ऊपर ना चले, वो हमारे ऊपर हावी ना हो, कैसे हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है। हालेलुया। और प्रभु उससे कहते हैं,
ईसा ने कहा, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। ईश्वर की परीक्षा मतलब कौन प्रभु की परीक्षा ले सकता है? कोई परीक्षा प्रभु की नहीं ले सकता। लिखा है प्रभु की परीक्षा मत लो। फिर आगे लिखा है वाक्य 8 में, फिर आगे लिखा है, फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और वैभव दिखलाकर बोला। क्या बोला? प्रभु को पूरे संसार भर, वह संसार का सृष्टि करता, संसार को बनाने वाला, निर्माण करने वाला, रचने वाला, उसी को दिखाता है। मूर्ख है, उसे समझ में नहीं आता, और वो प्रभु को ही दिखाता, जिसने सृष्टि की, जिसने बनाया, उसी से कहता, उसका वैभव उसे दिखाता और कहता है, यदि आप मुझे दंडवत कर मेरी आराधना करें, यदि आप मुझे दंडवत करें और मेरी आराधना करें, तो मैं आपको ये सब दे दूंगा जो आप देख रहे हो। यदि आप मुझे दंडवत करोगे, मेरी आराधना करोगे, तो जो ये सब कुछ, संसार का वैभव, ये सब कुछ मैंने दिखाया, ये मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? ये शत्रु शैतान ने कहा, मैं सब कुछ दे दूंगा। वो सब कुछ तो पहले से ही उन्हीं का है। वचन बताता है, आकाश और पृथ्वी पर, स्वर्ग पर उन्हें पूरा पूरा अधिकार है, और जो कुछ उसके अंदर है वो सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं का है, उन्हीं के लिए सृष्टि किया गया, उन्हीं के लिए रचित किया गया है, वो सब कुछ उन्हीं का है। और ये मूर्ख शैतान उनसे आकर के कहता, मैं आपको दे दूंगा, मुझे दंडवत करो। क्या प्रभु को नहीं पता था? प्रभु को मालूम था, लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया कि वो मेरे पास आकर के मुझे प्रलोभन दे सकता है, मुझे चैलेंज कर सकता है, मेरे जीवन में आकर मुझे चैलेंज कर सकता है, तो वो तुम्हें भी चैलेंज कर सकता है। और यदि वो चैलेंज करेगा, वो आपके जीवन में आएगा, आपको प्रलोभन दिखाएगा, देखिए बेटा ये कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है, इसे ले ले, चोरी कर ले, और इसे हड़प ले, गलत तरीके से ले ले, मेरी आराधना कर, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज बहुत सारे लोग चंगाई देने वाले हैं, बहुत सारे जगह पर जादू टोना, तंत्र मंत्र के द्वारा बहुत कुछ किया जाता है, कहा जाता है ये बलि चढ़ाओ, ये दो वो दो, ये चढ़ावा चढ़ाओ, आपको चंगाई मिलेगी, घर में सुख आएगा, शांति आ जाएगी। प्रलोभन दिया जाता है, और वचन बताता है एकमात्र ईश्वर है जो चंगा करने वाला है, जो आशीष देने वाला है, जो छुटकारा देने वाला है, वो है प्रभु ईसा मसीह। उसको छोड़कर कोई भी प्रभु नहीं है। उसी को पूरे संसार पर, आकाश और पाताल की सारी शक्तियों पर, और स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सके, सिवाय यीशु नाम के। यीशु के नाम में ही मुक्ति है। और प्रभु उससे कहते हैं, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो। मेरे भाई, मेरी बहन, ये शत्रु शैतान को प्रभु कहते हैं, लिखा है। कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है। वचन की ताकत को, वचन की शक्ति को उन्होंने उस शत्रु शैतान पर वार करते हुए बोला, वचन को दोहराया, वचन में जो लिखा है कहा, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। आज प्रभु हमें बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करना, किसी और अंधकार की शक्ति, देवी देवता, किसी अन्य ताकत की, किसी अन्य वस्तु की आराधना मत करना सिवाय यीशु की। और इस पर शैतान, वचन बताता, जब प्रभु ने ये सारी बातें की, प्रभु ने वचन को बताया, लिखा है अपने ईश्वर की आराधना करना, लिखा है अपने प्रभु की परीक्षा मत लेना, लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, ये सारी बातें सुनकर के वाक्य 11 में लिखा है, इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया। हालेलुया। जब आप भी अपने जीवन से, ये शत्रु शैतान जब प्रलोभन लेकर के आता है, लालच लेकर के आता है, गरीबी लेकर के आता है, बीमारी लेकर के आता है, बहुत सारी ऐसी लुहावनी बातें लेकर के आता है, आपको पाप में गिराना चाहता है, प्रभु से दूर करना चाहता है, उस समय आप प्रभु से ताकत मांगते हुए, प्रभु से अभिषेक मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए, वचन को दोहराते हुए उसे डांटिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं
मैंने तुम्हें उसे हराने का कुचलने का सामर्थ्य दिया है, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उसे डांटिए जैसे प्रभु ने डांटा, प्रभु ने उसे हराया वचन के द्वारा, और बताता है कि वो उन्हें छोड़कर चला गया जैसे यीशु को छोड़कर चला गया। आज आपके जीवन आपके परिवार से वो आपको छोड़कर चला जाएगा इसी समय यीशु प्रभु के नाम पर। और वचन आगे बताता है, और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचय करते रहे। स्वर्गदूत आ गए, जब आप उसे भगाओगे आपके घर में स्वर्गदूत आएंगे, आपके परिवार में आपके जीवन में स्वर्गदूत आएंगे, प्रभु आ जाएगा आपको बचाएगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय हमने प्रभु के वचन को सुना, प्रभु के वचन की ताकत को सुना, कैसे हमें शत्रु शैतान को प्रभु ने हराने के लिए सिखाया, कैसे प्रभु ने हराया। आज हम भी अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने शरीर से, अपनी हर एक बात से उस शत्रु शैतान को हराएं। दोनों आंखें बंद करें और प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम पर। इसी समय मैं सारी अंधकार की शक्तियों को, सारी दुष्ट आत्माओं को, तंत्र मंत्र जादू टोने को, शैतान की हर एक चाल को यीशु प्रभु के नाम पर आप सबके जीवन से खंडित करता हूँ, डांटता हूँ यीशु प्रभु के नाम पर। इसी समय छोड़ करके जाए, दूर हटे, गरीबी दूर हटे यीशु के नाम पर, बीमारी दूर हटे, कैंसर की बीमारी दूर हटे, किडनी का इन्फेक्शन ठीक हो यीशु के नाम पर, लीवर में जो समस्या है यीशु के नाम पर ठीक हो, शरीर के हर एक अंग इसी समय नए बने, शरीर के हर एक नंग, हर एक अंग नॉर्मल तरीके से कार्य करे, सारी एलर्जी दूर हो, टाइफाइड दूर हो, बुखार दूर हो इसी समय यीशु के नाम पर, हड्डियों का दर्द दूर हो, निराशा दूर हो, सुस्ती आलस्य पर नींद दूर हो यीशु के नाम पर, डरावे ने सपने आना दूर हो, परिवार से लड़ाई झगड़ा इसी समय मिट जाए, परिवारों में शांति आए, प्रेम आए, एकता आए यीशु प्रभु के नाम पर। नशे के बंधन खुले, नशे की आत्मा छोड़ करके जाए, गरीबी की आत्मा छोड़ करके जाए, परिवारों से निकले इसी समय निकले यीशु प्रभु के पवित्र शक्तिशाली नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंदरवाजे यीशु के नाम पर खुले, विदेश जाने का वीजा मिले, विदेश जाने में रुकावट बाधा खुले यीशु प्रभु के नाम पर। आप परीक्षा लिख रहे हैं, आपको परीक्षा में सफलता मिले, पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु आपको पढ़ने के लिए ज्ञान दे, प्रज्ञा दे इसी समय यीशु प्रभु के नाम पर। आप लोन लेना चाहते हैं यीशु के नाम पर, लोन में जो रुकावट आ रही है लोन की रुकावट खुले, घर बनाना चाहते हैं घर बन नहीं रहा यीशु के नाम पर, घर बनाने की आशीष मिले, सारे प्रबंध हो जाएं यीशु के नाम पर। नौकरी कर रहे हैं प्रभु नौकरी में आशीष दे, आपके पास नौकरी नहीं है इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी मिले इसी समय, प्रबंध हो जाए यीशु प्रभु के नाम पर, प्रबंध हो जाए। आपके पास संतान नहीं है आपको संतान मिले, संतान की आशीष मिले, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ करके जाए, हर एक रोग छोड़ करके जाए, लकवे की बीमारी दूर हो, आपका शरीर कार्य करे, खून में जो बीमारी है इन्फेक्शन है दूर हो, नया खून मिले, यीशु के खून की बूंदें आपके खून में मिल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें भाई, प्रभु ने आपको छुआ, प्रभु की आशीष आप पर उतरी ठहर गई है, नया जीवन नया सामर्थ्य आपको मिला है। धन्यवाद यीशु आपकी परम पवित्र उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हमें छूने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के पिता, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम पर मांगते हैं, बोले आमीन 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 आमीन।
प्रिय भाई और बहन, प्रभु की महान उपस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के प्रेम में बने रहें, प्रभु से जुड़े रहें। प्रभु का वचन आज हमें संदेश देता है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें और उसके द्वारा हम शत्रु शैतान को अपने जीवन अपने परिवार से हराएं, डांटें और उसे मौका ना दें। प्रभु का वचन हमें बताता है कि मनुष्य हम रोटी से ही नहीं जीते, उसके अलावा प्रभु के वचन में लिखा है उसके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, यानी कि पवित्र वचन, उसकी ताकत और शक्ति के द्वारा हम जीते हैं। प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रार्थना में जुड़े रहें। और यदि आप में से जो लोग गवाही देना चाहते हैं और अपना प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज करें, फ़ोन नहीं उठाते हैं तो मैसेज कर दें। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है और जो नीचे लाइन चल के आती है वो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आप हमें, और जो लोग कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नहीं उठाते हैं, एक मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, व्हाट्सएप में कर दें। लिखना नहीं आता, स्पीकर में उंगली रख करके बोलें, छोड़ दें, आपका मैसेज हमें मिल जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना को शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है। अधिक से अधिक लोग जो है बचाए जाएँ और प्रार्थना में जुड़ जाएं। प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल में ये प्रार्थना आती है। आप YouTube में जाकर सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को भी भेज सकते हैं, खुद भी जुड़ें। कल हम फिर मिलेंगे 8:30। कितने बजे? 8:30। बहुत सारे लोग बहुत देर के बाद जब प्रार्थना ख़त्म होने वाली होती है तब जुड़ते हैं। सबको मालूम है 8:30 प्रार्थना शुरू होती है, आप 8:30 जुड़ जाएं। पूरा पूरी आशीष लें, प्रभु आशीष देंगे। प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, प्रेम से रहें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देंगे और आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी कामकाज को प्रभु बहुत आशीष दें। प्रभु की आशीष बनी रहें। गॉड ब्लेस यू।